एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। मैं एडवोकेट मेघा शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट 2022 की। ये जितनी भी जजमेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस है किशोर मधुकर पिंगलीकर वर्सेज ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस केस के अंदर जो इशू अराइज हुआ था कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो, क्या वो स्टेट है, क्या उसको हम स्टेट के अंडर कंसीडर करेंगे अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर गवर्नमेंट ना तो अपॉइंटमेंट में कोई पार्ट प्ले कर रही है ना रिमूवल में कोई पार्ट प्ले कर रही है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उन्होंने डिसीजन दिया है, कैसे दिया है, उन्होंने एक टेस्ट अप्लाई किया जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में लेट डाउन किया था, डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल। अगर ये टेस्ट लेट डाउन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 12 में फॉल नहीं करता, दैट मीन्स वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, बिकॉज ना तो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है ना गवर्नमेंट उसको रिमूव कर रही है, दैट्स वाई। ठीक है, इस टेस्ट के बेसिस पे ये जजमेंट हेल्ड हुई है। अब हमारा नेक्स्ट केस है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस रामा रविंद्र कुमार संघवी। ये जो पर्सन है रामा रविंद्र कुमार संघवी, इनका इसके न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर एक फ्लैट निकलता है। तो जब वो फ्लैट निकलता है तो वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ एफिडेविट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, अथॉरिटी को तो वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो सही दे देते हैं बट जो एफिडेविट्स होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, वो फोर्ज होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है क्या जो एफिडेविट्स हैं, अगर हम किसी को गलत एफिडेविट्स दे रहे हैं या कोर्ट के सामने गलत एफिडेविट्स पेश कर रहे हैं तो क्या वो कंटेम्प्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि यस, अगर हम कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा एफिडेविट जो गलत दे रहे हैं वो कंटेंट ऑफ कोर्ट के अंदर फॉल करेगा और उसके लिए आप कंटेम्प्ट की पनिशमेंट उसको दे सकते हो। ठीक है, और फिर इस केस के अंदर ये भी हेल्ड किया गया कि जो लेजिटिमेसी है या फिर इम्पोर्टेंस है किसी भी एफिडेविट की, तो सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जो एफिडेविट्स होते हैं दे आर नॉट मेयर द शीट्स ऑफ पेपर बट सोलम स्टेटमेंट्स ऑफ ओथ। तो अगर आप ओथ लेके कोई भी एफिडेविट दे रहे हो, दैट मीन्स अगर आपने ओथ ली है या फिर आप स्वोर्न ऑन करते हो कि ये जो मैं एफिडेविट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, और आप ओथ लेने के बाद भी गलत एफिडेविट दे रहे हो तो दैट मीन्स वो कंटेम्प्ट है, तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस RD शर्मा। इस केस के अंदर जो क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है या ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को हमें फंडामेंटल राइट के अंदर फॉल करवाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये DPSPs है, ये गोल्स हैं जो एक स्टेट अचीव करता है। ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल विच इज टू बी अचीव्ड बाय द स्टेट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया इसको, किस जजमेंट में, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर उन्होंने ये हेल्ड किया कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो DPSPs के अंदर फॉल करता है अंडर आर्टिकल 39 क्लोज D। ठीक है, अब हमारा लास्ट केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेट ऑफ MP वर्सेस जोगेंद्रा।
इस केस के अंदर क्या हेड होता है, पहले फैक्ट्स बता देती हूँ मैं आपको। जो हस्बैंड होता है उसको अपना घर बनाना होता है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करानी होती है, तो वो अपने वाइफ को कहता है कि जा अपने पेरेंट्स के पास जा और कुछ पैसे लेके आ कि मुझे घर रिपेयर कराना है और फर्दर कंस्ट्रक्शन करानी है घर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो ये पैसे हैं जो वो मांग रहा है, जिससे उसकी वाइफ परेशान हो रही है, क्या इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी और नॉट? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यस इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, मेंटल क्रुएलिटी अंडर 498A एंड 304B ऑफ IPC। तो अगर हस्बैंड कोई भी ऐसा काम करता है जिससे उसकी वाइफ मेंटली हैरेस हो रही है या फिर मेंटली टॉर्चर हो रही है, तो आप उसको मेंटल क्रुएलिटी के अंदर कंसिडर करोगे और वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 498A एंड सेक्शन 304B ऑफ IPC। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये कुछ हमारी 7 जजमेंट्स थी जो हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।